ये मंडी द्वीप में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पानी की समस्या पर रहवासियों का हल्ला बोल भी देखा गया। हाथों में बर्तन लेकर महिलाओं ने यहां पर नारेबाजी की। नगर पालिका के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। पानी की समस्या को लेकर यहां पर प्रदर्शन के द्वारा किया गया और इससे इस समस्या को हल कराने की बात की गई। तो वहीं सीएमओ ने यह भी कहा है कि जो समस्या है पानी की उसे हल कराया जाएगा। ये देखिए तस्वीरें रायसेन की, किस तरह से लोग बर्तन लेकर के खड़े हैं, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और हाथों में बर्तन लेकर महिलाओं ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पानी नहीं आ रहा, ना टैंकर आ रहा है, नल में भी पानी नहीं, ना टैंकर में। दो दिन हो गए टैंकर ही नहीं लग रहा, बिल्कुल पानी नहीं है। हमारी कम से कम 200 घर की बस्ती है, वहाँ एक ही टैंकर पानी आता है, कभी कभार आता है और आता नहीं, क्या करेंगे हमारी बस्ती वाले। पानी की जो परेशानी है कि टैंकर जा नहीं रहे, टैंकर जाते हैं तो लोग बाग मतलब जेंट्स तक हमें तलवारें उठा उठा के धमकी देते हैं मानने की, और पानी का है नहीं है, एक टैंकर पहुँचाते हैं, कम से कम हमारी 200 घर की बस्ती है। वहाँ भारतवर्ष के अधिकांश हिस्सों में भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है और भीषण गर्मी का संकट है, और जो बाढ़ की जनता हमारे साथ है हमने उनसे सहयोग भी मांगा है, इनको हम पानी भी उपलब्ध कराएंगे। अभी ट्यूबवेल एक बंद होने के कारण आज बाढ़ में पानी नहीं जा पाया है, तो व्यवस्था हम सुधार कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके सभी को पानी देंगे। ऐसा कोई भी जनता नहीं रहेगी जिसको हम पानी। जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से पानी के लिए हाहाकार मचा है, महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, अभी क्या स्थिति बनी हुई है और ऐसी स्थिति आखिर कब से बनी हुई है? बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं, रायसेन जिले का औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप जो राजधानी भोपाल से सटा हुआ है, वहाँ का ये पूरा मामला जिस तरह की बात की है, तो खासी आबादी जो है मंडीदीप में है इसी को लेकर काफी जो पानी की समस्या है हर वर्ष यहाँ पर आती है और नगर पालिका पर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल निशान पानी की समस्या को लेकर खड़े होते हैं। आज फिर जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो नगर पालिका कार्यालय के बाहर पहुंचती हैं और यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर उन्होंने हल्ला बोल दिया, जमकर यहाँ पर नारेबाजी की गई नगर पालिका के खिलाफ, जिसको लेकर कहीं ना कहीं महिलाओं ने अपनी परेशानी समस्या बताई है कि यहाँ पर पानी का एक आध दो टैंकर जो नगर पालिका के आते हैं वहाँ पर लोग तलवार लेके पानी के लिए निकल आते हैं, पानी उनको चाहिए पहले, इसको लेकर इस तरह की विवाद की स्थिति लगातार बन रही है। हालांकि इस मामले में सीएमओ ने कहा है कि पानी की समस्या पूरे प्रदेश और देश में है, अब इस समस्या पे लोगों की समस्या को लेकर यहाँ पर कार्य किया जा रहा है और लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलाई जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से बात की जाए, भीषण गर्मी का यहाँ पर दौर जारी है, नौतपे यहाँ पर चल रहे हैं और लोग बूंद बूंद पानी के लिए यहाँ पर तरस रहे हैं, तो शासन और प्रशासन को भी यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि लोगों की समस्या को लेकर किस तरीके से लोग यहाँ पर त्राही माम कर रहे हैं पानी को लेकर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। और अब बात करेंगे हरदा की, जहां अनुसूचित वर्ग के एक की शेविंग करने से इनकार करने पर हेयर ड्रेसर राकेश पर मामला दर्ज किया गया। मामला जिले के हंडिया थाना क्षेत्र का है, जहां अनुसूचित जाति के शक्ति सीटोले की शेविंग करने से गांव के हेयर ड्रेसर राकेश ने इनकार कर दिया था। हेयर ड्रेसर ने जाति सूचक शब्द कहकर शेविंग करने से इनकार किया था, जिसके बाद पीड़ित युवक शक्ति की शिकायत पर राकेश के खिलाफ हंडिया थाने में मामला दर्ज करने पहुंचा। लड़का जो था ग्राम पंचायत भादो गांव से शक्ति सिटोले, जो एक दलित समुदाय का बली समाज के अंतर्गत आता था, और भीम आर्मी हम लोगों ने चेतावनी दी, एसपी साहब से निवेदन किया और आज उसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उस दुकान पर एक विवाद हुआ जिसमें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और उनके हिसाब से उन्होंने आवेदन दिया है, उस आवेदन पे नियम अनुसार विवेचना ली गई है, एफआईआर की गई है और विवेचना जारी है। विवेचना के बाद तथ्यों को खंगाल कर देखा जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रवीण तंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, मामला क्या है पूरा? जी ऋतु जी, ये पूरा मामला है, ये हरदा के हंडिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। वहां पर भादू गांव है और विगत 22 मई की बात है, उसी गांव का एक एससी वर्ग का युवक है,
वो शेविंग करवाने गांव की एक दुकान पर गया था और युवक का आरोप है कि जो दुकान सैलून संचालक है, हेयर ड्रेसर है राकेश, उन्होंने जो है उसकी जो शेविंग बनाने से उसका इंकार कर दिया, और इंकार सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो एक एसटी वर्ग का युवक है, और इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और युवक का आरोप है कि उसने उसको धक्का दिया, और इसी बात को लेकर एसपी को शिकायत की थी। इस पूरे मामले को लेकर आज जो है हंडिया थाना क्षेत्र में युवक के जो पीड़ित की शिकायत पर जो है राकेश के खिलाफ 294 जान से मारने की धमकी, 506 और एससी/एसटी एक्ट में प्रकरण दर्ज कर लिया है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जानकारी को साझा करने के लिए। नर्मदापुरम में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। कल न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे इटारसी रेलवे स्टेशन पर वेंडर डिस्पोजल पैकेज को धोकर उसका दोबारा से यूज कर रहे हैं। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद रेलवे प्रशासन जागा और इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के खान पान स्टॉल को सील कर दिया है। तो प्रमुखता से हमने कल खबर दिखाई थी ये, और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि इस तरह से जो यूज्ड डिस्पोजल थे, ये देखिए तस्वीर, पहली तस्वीर जिसमें यूज्ड डिस्पोजल्स को फिर से वॉश कर करके उसे रीयूज करने की तैयारी में ये वेंडर था, और इसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे थे कि आखिर आम जन के स्वास्थ्य से किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, और अधिकारियों को भी ये बात बताई गई थी, उनके भी संज्ञान में आया था, अब एक्शन लिया गया है। शिवपुरी में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। शिवपुरी के मणिखेड़ा में पानी की पाइपलाइन लंबे वक्त से खराब थी और मेला दुकानदारों ने बोर पर अतिक्रमण कर लिया था, जिसकी वजह से स्थानीय निवासी पीने के पानी के लिए परेशान थे। न्यूज 18 ने यहां पानी की किल्लत को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाई थी। खबर दिखाए जाने के बाद नगर पालिका प्रशासन मौके पर पहुंचा, बोर को मेला दुकानदारों के कब्जे से मुक्त कराया। मणिखेड़ा की जली पानी की लाइन को ठीक किया जा रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने न्यूज 18 का धन्यवाद भी किया। उसके बाद में टीम आई है, टीम आज दुरुस्त कर देगी इस लाइन को। आज हो जाएगी जी? जी सर आज हो जाएगी। तो अब यहाँ की बस्ती को पानी मिलने लगेगा? जी सर मिलने लगेगा, जब इनका टर्न होगा इस तरफ का उस दिन इनको पानी मिल जाएगा। सर बहुत ही परेशान थे पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए तरस रहे थे। कल हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था और तो इनके लिए न्यूज 18 की टीम आई थी सर, तो हमने उनसे बताया सर, उनने खबर चलाई है, तो सर ये आज काम स्टार्ट हुआ है, जल्द से बता रहे हैं पानी आ जाएगा आज घरों। सर न्यूज 18 का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो वहीं विदिशा में भी न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। हटाए गए घूसखोर एएसआई शिवप्रसाद, एएसआई शिवप्रसाद विश्वकर्मा ने घूस ली थी, दो सगे भाइयों के झगड़े में पिता से घूस उसके द्वारा ली गई थी। 2000 रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ था। भाइयों के झगड़े में पिता से पैसे मांगे गए थे, 1,00,000 रुपए मांगे गए थे। गंज वासुदा के उदयपुर सहायता केंद्र प्रभारी थे एएसआई शिव कुमार प्रसाद विश्वकर्मा। न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी, जिसके बाद एक्शन लिया गया। और सीएम के निर्देश के बाद अनफिट नर्सिंग कॉलेजों पर एक्शन लिया गया है। सीएम यादव के निर्देश के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेजों को बंद किया गया। इंदौर सहित कई जिलों में कार्रवाई हो चुकी है। कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन ने कलेक्टर्स को सूची दी है, कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश अनुसार यहां पर कार्रवाई करें। आदेश से नर्सिंग कॉलेजों के छात्र प्रभावित नहीं होंगे। शासन से जो निर्देश प्राप्त हुए थे उनमें हमको 5 नर्सिंग कॉलेजेस की सूची प्राप्त हुई थी, और उन सभी 5 नर्सिंग कॉलेजेस को हमारे द्वारा सील किया गया है। हालांकि जो वहां के स्टूडेंट्स हैं जो ऑनगोइंग है, जिनका एग्ज़ाम ड्यू है, उस संबंध में एक अलग प्रकार के निर्देश जारी हुए थे, जिनका भी पालन साथ में किया जा रहा है। शासन के निर्देशों के आधार पर इसको किया गया है। देखिए इसमें उज्जैन से बड़ी खबर है। जेके नर्सिंग कॉलेज पर एक्शन लिया गया है। प्रशासन ने नर्सिंग कॉलेज को सील कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। लैब छोड़ करके पूरा कॉलेज सील किया गया है। बता दें इससे जो छात्र हैं वो प्रभावित नहीं होंगे, वो किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे। और आपको बताएं जेके नर्सिंग कॉलेज पर यह एक्शन बढ़ा लिया गया और प्रशासन ने नर्सिंग कॉलेज को सील कर दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और आदेश के बाद ये कार्रवाई
हुई है। लैब छोड़कर पूरा कॉलेज अब सील कर दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, नर्सिंग कॉलेज पर एक्शन लिया गया है, सील किया गया है, क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब जो है उज्जैन के जेके नर्सिंग कॉलेज पर कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने वहां पर पहुंचकर लैब को छोड़कर बाकी सभी जो रूम थे, उनकी जो क्लॉज प्रिंसिपल रूम थे, उन सबको सील किया गया है। उनका यही कहना है कि जिस तरीके से अनियमितताएं पाई गई थी, उसके आधार पर इन पर कार्रवाई की गई है। अब आगे जाकर जो है कोर्ट की शरण में जो है कॉलेज पर प्रबंधक जाएगा और आगे जो भी डिसीजन होगा उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अजय।